खतरा ना हो। अगर राष्ट्र पे खतरा नहीं कर रहे हैं अनुराग, जवाब अनुराग राष्ट्र पे खतरा है, जवाब तो सुन लीजिए अनुराग, आपने अपनी बात को रखा 30 सेकंड जवाब सुन लीजिए फिर आप बोल लीजिएगा अनुराग। 30 पढ़ रहे हो, 10 सेकंड दे दीजिए फिर आप रागिनी जी के। पुलिसिंग स्टेट कहते हैं आप, पुलिस की तरह नहीं आप, अच्छा पुलिस स्टेट है ठीक है, लेकिन लेकिन इसके अंदर गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अच्छा एक सेकंड 10 सेकंड समझाना, 2019 में जाओ मुझे समझाओ, 2009 में जाओ ना 10 में जाओ, जो कांग्रेस ने किया था। अनुराग आप अपनी बात 30 सेकंड रख लीजिए फिर मैं संबित को बोलूंगा। संबित आप साथ रहिए, 20 सेकंड बोल ले अनुराग, आपका जो भी सवाल है आप एक बार ही में पूछ लीजिए। अच्छा मैं अपनी बात कह लूं? हाँ 20 सेकंड ले लीजिए, आप बोल लीजिए फिर संबित पास जवाब दे। संबित मैं आपको मौका दूंगा, फिर मुझको रागिनी जी के पास भी जाना है। देखिए संबित जी कह रहे हैं, नहीं संबित जी कह रहे हैं 2006 की बात कर रहे हैं, 2008 की, 9 की, 10 की, 11 की, 12 की, पार्लियामेंट मैंने बात कांग्रेस ने जासूसी कराई थी। नहीं 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 ठीक है ना, पार्लियामेंट कोर्ट करके मैं भी बता रहा हूं। तो अगर आप मान ली कांग्रेस ने जासूसी कराई थी तो कांग्रेस को जनता ने क्या दिया? बाबा जी का ठुल्लू, कांग्रेस कहीं की नहीं रही। तो आप क्या चाहते हो कि आप कांग्रेस जैसा बनना चाहते हो कि 2022 में यूपी से गायब तो होना ही आपको, और 2024 में देश से भी गायब हो जाओगे अगर आप निष्ठा पे हमला करोगे, तानाशाही की तरफ बढ़ोगे। इसको पुलिसिंग स्टेट बोलते हैं। अगर आप धीरे धीरे लोगों की प्राइवेसी, अनुराग अनुराग कांग्रेस को आपने बोला बाबा जी का ठुल्लू मिल गया, अब कांग्रेस उस विषय पर जवाब देगी। लेकिन संबित जवाब, संबित जवाब व्यक्तिगत और उनकी प्राइवेसी फॉलोइंग कांग्रेस। ओके अनुराग जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए प्लीज। अनुराग मेरा निवेदन स्वीकार करिए प्लीज। आपने अनुराग को अलग से बुलवा दिया था, मुझे भी अलग से बुलवा दीजिए, टाइम भी बचेगा, सब लोग सबको मौका दे रहे हैं। हर पार्टी अपनी तरह से आरोप लगाती है, आप अपनी बात को रखिए ना प्लीज। कोई बात नहीं अमीश भाई, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जनता समझ सके सब विषयों को क्लैरिटी के साथ। देखिए अमीश भाई मैं इतना कहना चाहता हूँ, जहां तक ये 300 नाम है, अभी आलोक जी ने बहुत बड़ी बात कही, खुद सिद्धार्थ वरदराजन कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के फोन के विषय में हम अभी कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि जांच नहीं हुई। कमाल की बात है, जो पब्लिशिंग कर रहा है वही कह रहा है कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मगर उससे पहले विक्टिम कार्ड पकड़ के राहुल गांधी जी बैठ गए। मैंने तो कहा आप जांच करवा लीजिए, जांच कराएंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कि आप में हुआ है या नहीं हुआ। नंबर एक, मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी देने वाला हूं। देखिए अभी सवाल उठा कि करोड़ों खर्च करके हमने क्यों इस प्रकार से जासूसी कराई। देखिए ये जो फोन हैक होता है, कई बार होता है ना, इस लिंक, आपके पास एक लिंक आ जाएगा, गलती से भी इस ईमेल को आप एक्सेप्ट मत करना, इस लिंक को आप टैप मत कर देना, उससे फोन हैक होने का डर होता है। कई हैकर्स होते हैं हमारे बीच में, मतलब ये समाज में कई हैकर्स होते हैं जो ये काम करते हैं। देखिए ये जो कुछ पत्रकारों का आज नाम आया है, ये कितने, इनमें से कुछ तो बहुत इंटेलिजेंट है, कितने इंटेलिजेंट है मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक जानी मानी पत्रकार है, हम सब बड़ा सम्मान करते हैं उनका, भोली वाली भी है बेचारी, उनके पास एक ईमेल आ गया और कहा गया कि आप जो है हवाड़ की प्रोफेसर बन गई है कल से। उन्होंने लिंक को क्लिक कर दिया और अगले दिन हवाड़ की प्रोफेसर बन गई, एक साल तक हवाड़ की झूठी प्रोफेसर बन गई। मतलब वो नकली लिंक था, अनवेरीफाइड, वेरीफाई ही नहीं किया किसी ने। मतलब सोचिए, चले हो जाते हैं कई बार खर्च कर, कोई हैकर तो ऐसे ही भेज देगा। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, ये हकीकत है। अरे कोई हैकर तो ऐसे ही भेज देगा कोई लिंक, इस पे क्लिक करो, बताओ एक साल तक हवाड़ की प्रोफेसर बन गई थी बेचारी, मतलब इतने भोले भाले हैं ये सब, इनको कोई भी ठग लेता है, आप बताओ। और आप भी और नहीं है किसी, मैं तो अनुराग भदौरिया से बोलूंगा, ठीक है मैं आप रागनी जी का कि राहुल गांधी बाबा जी का ठुल्लू है, तो आपने बाबा जी का ठुल्लू को क्यों बैठाया था? चलिए वो विषय कभी यूपी में डिस्कशन करेंगे तो करेंगे। सबित अनुराग आप भी तब उसमें बोलेगा, लेकिन अभी रागनी जी को मौका देना पड़ेगा क्योंकि आलोक जी ने भी सवाल खड़े करे। रागनी जी एक बड़ी स्पष्ट बात सबित ने बोली कि अगर आपको लगता है कि ऐसी कुछ हैकिंग हुई है, ऐसी कोई स्पाइंग हुई है, ऐसी कोई जासूसी हुई है तो जांच करवा लीजिए। आप कह रहे कि जांच क्यों करवाई जाए इस पूरे विषय की? नहीं, संबित पात्रा जी ने तो अनेक अनर्गल आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी के। कितनी बार भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की, जेपीसी की मांग की, जरा ये भी बता देते तो। अपने समय पर आपका तर्क और मापदंड अलग हो जाता है, और जब आप सरकार चला रहे होते हैं तो अलग हो जाता है। दूसरी बात, एक तो कांग्रेस पार्टी के बारे में आज जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार बोल रहे हैं, मैं उसका खंडन करती हूँ। कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके से लोकतंत्र के चारों स्तंभों को गैर संवैधानिक निगरानी का कभी भी माध्यम नहीं बनाया, ना हमने इस तरीके का कभी भी उनके ऊपर आक्रमण किया। और तीसरी बात का जवाब मैं आलोक मेहता जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने आज ये स्पष्ट तौर पे कहा कि उन्होंने अपने पत्रकारिक जीवन में पहली बार ये देखा है कि मंत्रिमंडल की का जो इंट्रोडक्शन होना था वो नहीं हो पाया। 4 जून 2004 आलोक मेहता जी, मनमोहन सिंह जी की पहली यूपीए सरकार थी, पहला दिन था, मंत्रिमंडल को इसी तरीके से एक औपचारिक भेंट होनी थी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से 2 दिन तक सत्र को डिसरप्ट किया। उसके बाद 2012 में भी पहले दिन यही हुआ,
तो ये पहली बार या दूसरी बार नहीं, तीसरी बार में ऐसा हो रहा है। और एक बात अमीश जी जल्दी से बोलती हूँ, एक बिजनेस एडवाइजरी कमिटी होती है पार्लियामेंट में जो ये तय करती है कि बहस का मुद्दा कौन से दिन क्या होगा। तो बिजनेस एडवाइजरी कमिटी ने कल तक भी राज्यसभा में इस किसी भी मुद्दे को तय करने से खारिज कर दिया, लोकसभा में वो तय ही नहीं कर पाई। और जो आप आरोप विपक्ष पे लगा रहे हैं वो उलट बांसी है, क्योंकि पूरा विपक्ष एक होकर ये बात कह रहा है कि आप महंगाई पर भी, आप कोरोना पर भी, आप पेगासस पर भी और आप किसानों पर भी, इन चारों मुद्दों पर बात करिए। लेकिन समस्या ये है कि मोदी जी जो खुद संवाद में, सलाह में, राय मशवरे में विश्वास ही नहीं रखते हैं, उनकी आलोक जी कुछ कहना चाहते थे कि आलोक जी अपनी बात, आलोक जी अपनी बात 40 सेकंड में रखिएगा, समय फिर मैं आपको मौका दूंगा आगे। जनता के मुद्दे सुनने, ठीक है रागनी, आपने अपनी बात को रखा, जनता के मुद्दे रखने चाहिए सदन के अंदर ना, सदन के अंदर तो हंगामा मच रहा है। ओ बोलिए आलोक जी। देखिए मैं रागनी का सम्मान करता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, उन्होंने जो कहा ना कि मनमोहन सिंह जी को नहीं किया, मनमोहन सिंह जी क्या करते, उन्होंने कभी बीजेपी पर क्या कदम उठाया कभी? अरे उसको छोड़िए, मनमोहन सिंह राज में वो क्यों नहीं कर पाते थे, वो बैठ जाते थे सदन, वो करा देते स्थगित। देखिए सही बात यह है कि इस समय जो कोरोना का और किसान का मुद्दा है, सीमा के मुद्दा है, उस मुद्दे के लेकर के विवाद हो, खड़े हो, मंत्री में महिलाएं आई है, नए नए ऐसे मंत्री आए हैं, आप 10 मिनट बाद भी उसको उठा सकते हैं। मेरा ये कहना है कि ऐसे जो गंभीर संकट आते थे कभी नहीं हुआ। रागनी आलोक आपके बीच में नहीं बोला, उसको 30 सेकंड देने चाहिए मुझे लगता है। अरे कांग्रेस पार्टी का ये निष्कर्ष हो गया, कांग्रेस पार्टी इस स्तर पर आ गई, कांग्रेस पार्टी इस स्तर पर आ गई, कांग्रेस पार्टी का स्तर कुछ तो रखिए। वही काम बीजेपी ने किया तो हम ये करेंगे, यदि ये गिराया तो किया। कि दलित और महिला प्रेम कहां गया था जब मायावती को वैश्या बोला उनकी पार्टी के उपाध्यक्ष ने और वो चुप्पी साधे बैठे रहे? बताइए कहां है दलित प्रेम जब रोज मायावती जी ने क्या किया वो आपको नहीं मालूम है? मायावती जी ने आपकी पार्टी का क्या किया? मर्डर हो जाता है। मायावती जी ने आपके मुझे लगता है रागनी रागनी आलोक मेहता आपके बीच में नहीं बोले, आप उनको मौका दीजिए। मुझे मेरे देखिए देखिए आलोक मेहता सबसे कम बोले और जब वो बोल रहे हैं उनके बीच में बोलना मुझे लगता है ये जायज नहीं है। आलोक जी आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, आपके पास 20 सेकंड है। मेक योर पॉइंट। देखिए मेरा ही कहना है कि आरोप कहता थी वरिष्ठ उनके सफेद बालों को तो क्या किया वो क्या किया, 30 सेकंड अपनी बात को रख ले। वो मेरा खाली ये निवेदन था कि देश में जो गंभीर संकट है, हम और आप सबकी चिंता पत्रकारिता की रक्षा करिए, लेकिन यदि गंभीर न रह करके महीने भर तक संसद न चलने देंगे जो राहुल जी करते हैं पिछले सत्रों में वो करेंगे तो हम सबके लिए संकट है। हम चाहते हैं रागिनी जी आप बनकर के पार्लियामेंट में आए अगली बार, इसलिए मैं सब बोल रहा हूं ताकि आपको लोगों को आगे बढ़कर के आए, एक प्रतिपक्ष दिखाई देगा, ये समित जी भी समर्थन करेंगे इस बात को कि एक अच्छी पार्टी हो। मायावती जी ब्लैकमेल करती है आपकी पार्टी के साथ, आप भूल गए हैं, पूछिए उनसे अनुराग जी से, वो भी पुराने नेता हैं, वो कितना ब्लैकमेल करती रही है पत्रकारों को, पूरी रिपोर्ट है, वो धमकी हम लोगों को देती थी, डिसमिस कर दीजिए पत्रकारों को, मालिकों को करती थी, क्या बात करते हैं आप? किस मायावती का नाम ले रहे हैं? मोतीलाल वोरा जी नहीं रहे, आप जानती है मोतीलाल वोरा ने उसकी जान बचाई, उसके बाद भी मायावती ने क्या किया? किसकी बात कर रहे हैं आप? लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोगों का नाम ले रहे हैं आप? जानती नहीं है किसको ये फर्जी येल यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट वाले? अरे कहां आप रागनी, कहां भावड़ के चक्कर में पड़ गई? लोगों का मजाक ही उड़ाएंगे, सबसे बड़ा मजाक तो आज संबित पात्रा उड़ा रहे हैं। देखिए मुझे लगता है ये हार्वर्ड के विषय के अंदर आप रागनी जी कहां पड़ गए, किसी को गलत फहमी हो गई कि वो हार्वर्ड का प्रोफेसर बन गया और आप उसके मजाक में उतर गई, छोड़ी ना वो विषय नहीं है हमारा। रागनी जी आप क्यों उस विषय पे जा रही है? उसको हार्वर्ड में उसको हार्वर्ड में जाने की ईमेल कांग्रेस ने थोड़ी भेजी थी, उसको हार्वर्ड में जाने की ईमेल किसी और ने भेजी है, वो विषय थोड़ी है हमारा। मैं संबित को भी यही बात बोल रहा हूँ, आपको भी यही बात बोल रहा हूँ। कौन सी बहस कर रहे हैं ये? प्लीज मैंने ध्यान से, हार्वर्ड विषय ही नहीं है मैडम, मैं संबित को भी ये बात बोल रहा हूँ, आपको भी वो बात बोल रहा हूँ। मैं तो आप दोनों से निवेदन ही कर सकता हूँ, मेरा कार्य तो यही है। बोलिए ठीक है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, आप देखते रहिए आर पार।